तड़प नहीं दोहराने पर सहमति बनी है, घटना ना दोहराने पर भारत चीन में सहमति बनी है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, 72 घंटों तक एक दूसरे पर रखेंगे नजर। दोनों देशों के बीच सैन्य वार्ता में एक बड़ा फैसला लिया गया है, इस तरह की घटना को दोहराया नहीं जाएगा, तनाव कम करने के लिए उठाए जाएंगे कदम। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तनाव कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और गलवान जैसी झड़प अब दोबारा नहीं देखी जाएगी। तो इस पर सहमति भी बन गई है, घटना ना दोहराने पर भारत चीन में सहमति बनी है, 72 घंटों तक एक दूसरे पर नजर रखी जाएगी। तो दोनों देशों के बीच सैन्य वार्ता में एक बड़ा फैसला लिया गया और फैसला लिया गया है कि गलवान घाटी में इस तरह की घटना एक बार फिर से दोहराई नहीं जाएगी। कुमार पुष्कर जुड़ गए, कुमार पुष्कर और क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल मनीष, जिस तरह से भारत चीन विवाद के बाद तमाम वार्ताएं लगातार चल रही थी कमांडर लेवल पे, और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि गलवान जैसी झड़प नहीं दोहराने पर भारत चीन में सहमति लगभग बन चुकी है, और साफ तौर पे दोनों देश 72 घंटे तक एक दूसरे पर नजर रखेंगे। और तमाम जो चीनी मीडिया की तरफ से खबरें आ रही हैं कि चीन पीछे हटने को तैयार है, कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच सैन्य वार्ता में फैसला तनाव कम करने के लिए उठाए जाएंगे, ये एक बड़ा कदम है भारत चीन की तरफ से। तो एक चीनी मीडिया की तरफ से साफ तौर पे ये देखा जा रहा है, ये खबरें आ रही है कि चीन गलवान घाटी से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार है, और अब बन रही है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि अपनी